अगर मंदिर बना कोई अपनी मस्जिदों को तोड़ दीजिए, अपनी मस्जिदों को तोड़ दीजिए, मंदिर नहीं बने। 500 रुपया लेके आओ तो कहीं से कमा के 2000-4000 लेके आओ तो सारा कमाई और मजदूरी खत्म बा। वो कैसे जी, कैसे जी? बच्चा सुला करके माँ जाती थी काम करने, तब तो बच्चा मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था और लौट के बिना डोला के उस बच्चे को सुलाना। वही मोदी जी कह के गए हम हमारी सरकार बनेगी तो हम पौना का चीनी मिल चालू करेंगे। इतने दिन हो गया चीनी मिल चालू। विकास का ही देन है कि आप जैसे चैनल के लोग पितरा बाजार में हमें राय जानने के लिए मजबूर है, ये विकास का ही कन्यू यानी गाँव को मजबूत करने के लिए आपके पास आपके बहुत नजदीक विधानसभा चुनाव आ गया है और तमाम बड़े बड़े गाड़ियों से बड़े बड़े रैलियों के साथ नेता वर्ग आपके विधानसभा में आपके घर आपके गली आपके मोहल्ले तक कूच करके पहुंच रहे होंगे और अब आपसे वोट की अपील कर रहे होंगे। तमाम दावे तमाम वादे होते हैं और उसके बाद एक नेता एक प्रतिनिधि चुना जाता है। बावजूद इसके भी आपका क्षेत्र कितना दमदार कितना चमकदार और कितना शानदार तरीके से आगाज करता है ये आप और हम सब लोग जानते हैं। तो अब विधानसभा चुनाव चूंकि बहुत करीब है और आपने देखा कि यहाँ ये सीट चूंकि पटरौना के हवाले रहा और भाजपा के खाते में भी रहा। स्वयं प्रसाद मौर्य यहाँ के विधायक रहे और पूर्व भी वो बहुजन में जब थे तो वहाँ उस समय भी विधायक रहे, तो कम से कम 15 सालों का कार्यकाल रहा उनका। बावजूद पटरौना का ये क्षेत्र कितना चमकदार हुआ है क्योंकि अभी पिपरा बाजार कुशीनगर में मौजूद है यहाँ पे, तो यहाँ से जानना है यहाँ के लोगों की राय को जानना है कि आखिर वर्तमान प्रतिनिधियों से कितना खुश रहे हैं। गाँव जो उसको भारत का न्यू कहा जाता है आखिर उसकी मजबूती कितनी है, इसी के पड़ताल के लिए हम भी आपके गाँव तक पहुँच चुके हैं। तो आगे का जो भी कार्यक्रम है डीके पांडे के साथ देखिएगा। नमस्कार प्रणाम, आप देखा था नहीं अपन खास शो डीके बोलता है। कुशीनगर समाचार पर पेश है डीके बोलता है। आज हम मौजूद बनी पिपरा बाजार में विधानसभा पटरौना। अब चूंकि एक लेट के ऐसे बोले के पड़ल है कि ये बगलिए में अगर जो हट जाए जाए तो खड्डा बा, तनी सा और किनारे हो खल जाए तो रामकोला विधानसभा बा। ये 3 विधानसभा के केंद्रित चौराहा बा, तो ये जगह आई लोग से सरकार के राय जान। वर्तमान में चुनाव कौन है सरकार के आयल बा? आने वाला सरकार तो अखिलेश को आना चाहिए जो कि बहुत अच्छा काम करेंगे। अखिलेश जी का बुराई बा? योगी जी भी ठीक है, वो भी बढ़िया है, लेकिन बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, देखिए चेंज कराओ तो नहीं सरकार यहाँ के। चेंज तो नहीं होना चाहिए, सरकार यही चाहिए। कहाँ है? क्योंकि बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और क्या काम? बहुत काम हो चुका है यहाँ पे, बहुत काम हो चुका। क्या नाम रखे हम, क्या नाम रखे, कौन सा काम का नाम रखे हैं बताइए। राम मंदिर बन रहा है, सबसे पहले काम की राम मंदिर बन रहा है, बन रहा है। हाँ, राशन मिल रहा है, नगद मिला है, इससे ऐसा का चाहिए। अरे वो हवा हवाई बोल रहे हैं, जमीनी पे थोड़े ना बोल रहे हैं। सरसों का दाम 200 रुपये लीटर हो गया, ये सरकार चाहिए महंगाई। पेट्रोल का दाम 100 से ऊपर हो गया, बिक रहा है 80 रुपये किलो आपका सरसों बिक रहा है, तो तेल 200 लीटर नहीं बिकेगा? सरसों किलो भी महंगाई क्यों आई है? आप बताइए क्या कर रहे थे आप? महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई शिक्षा रोजगार वाली सरकार चाहिए ना, कि मंदिर बनाने से क्या होगा, शिक्षा पे जोर दे। शिक्षा बंद है, चुनाव चालू है, स्कूल बंद है, प्रचार चालू है, विद्यालय बंद। भाई साहब अगर सुनिए, अगर मंदिर बना कोई अपनी मस्जिदों को तोड़ दीजिए, अपनी मस्जिदों को तोड़ दीजिए, मंदिर नहीं बनेगा। आप मस्जिद तमाम नमाज करने जाएगा, मस्जिद में नहीं बनेगी। मुलायम सिंह यादव बाउंड्री करवाइया, मंदिर पे चले गए पसंद करिए ना यार। जानते हैं मंदिर से तोड़ना जानेंगे, मंदिर से आपको दर्द हो रहा है? मंदिर मस्जिद से हट के तनी विकास पर बात करिए। विकास हुआ है, विकास खूब जम के हुआ है, सब लोग की गिनती कराइए। महाराज 22 घंटा देहात में बिजली मिले, मुलायम सरकार में अखिलेश सरकार में जो है लाइट नहीं दिया के तरह से आदमी आँख से देख नहीं पाता था। प्रमाण देंगे हो रहा है। अरे बेरोजगारी जाति खा रहे हैं, लखनऊ में रेलवे इलाहाबाद में आप देखें बच्चों पे झगड़ा न करी। अरे प्रेम से बात करी, प्रेम से। बेरोजगारी किस बात की है, बेरोजगारी किस बात की है, सारे लोगों को पढ़ाया जा रहा है। कैराना में अभी अभी देखी 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 उन्हें न जाए खाली। अब पढ़ौना पढ़ौना के बात योग, पढ़ौना के बात योग, पटरौना के बात योग, पटरौना के बात योग, पटरौना के बात योग। पटरौना में क्या विकास नहीं हुआ है आज 5 साल के अंदर?
पढ़ रहा हूँ ना। विकास हुआ है नहीं हुआ ये बताइए। बहुत विकास हुआ है, पढ़ रहा हूँ ना का पढ़। आपके कहने से पौना का यही चीनी मिल बेचेंगे, यही कसिया से आपने पूछा क्यों फैक्ट्री बेच दी गई? कसिया में वही मोदी जी कह के गए हम हमारी सरकार बनेगी तो हम पौना का चीनी मिल चालू करेंगे। इतने दिन हो गया चीनी मिल चालू नहीं हुआ। पड़ौना में एगो सड़क सही नहीं बताएंगे, पड़ रहा में रोड सही है महाराज? कौन रोड आप बताइए जो रोड आपका अच्छा नहीं है? पड़ रहा से इस सरकार में सारे रास्ते सही है भाई साहब। आपको याद होना चाहिए जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ इस रोड पे आपका जाना जाना। और जहाँ तक विकास की बात करते हैं, ये विकास का ही देन है कि आप जैसे चैनल के लोग पिपरा बाजार में हमें राय जानने के लिए मजबूर है। ये विकास का ही देन है, ये सिस्टम का देन है। पौना के गली गली में गड्ढे से भरा हुआ सड़क, इसको ये लोग विकास कहते हैं। इसी विकास है जो जिला का मुख्यालय वहाँ के जाके गलियों में जाके देखिए। बेलवा चुंगी की बात की है और नहीं नहीं हमने कुछ बोलेंगे नहीं नहीं बोलवाइए नहीं हम कुछ नहीं स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हुआ होता तो लोग इतना इतराज करते हाँ सारा इतराज ही तो कर रहे। क्यों क्यों सा विकास हुआ है जरा बताइए हमको, एक दो विकास बताइए बस। अगले सरकार में आपने लाइट को कैसे देखा? बिजली पे आ जाइए, आपने कैसे देखा? अखिलेश जी के सरकार में 8 घंटे बिजली आती थी, अखिलेश जी के सरकार में 8 घंटे के लगभग एवे बिजली। अभी आप भी इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, उस बिजली का उपभोक्ता आप भी होंगे। 8 घंटे बिजली आती थी, कोई अपना छोटा सा बच्चा सुला करके माँ जाती थी काम करने, तब तक बच्चा मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था और लौट के बिना डोला के उस बच्चे को फिर सुलाना पड़ता था। आज कोई बच्चा नहीं रोता है, कोई बीमार रोता नहीं लाइट के अभाव में। मुद्दा 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 स्थानीय हो खे मुद्दा स्थानीय हो खे पढ़ रहो ना आप जात हो खम कॉलेज रोड गइल बनी कितना दिन से रामकोला रोड रौरा नहीं की गइल? हम का कहता नहीं, हम कॉलेज रोड रौरा रामकोला रोड नहीं की गइल? सारे रास्ते एक जो है बन नहीं रहा था। पटरौना का जितना भी रोड आप देख रहे हैं सभी का टेंडर हो चुका है। इस साल इतना बारिश हुआ है, आप जाके देखिए नाली बनना, पूरे पटरौना के अंदर नाली बनना चालू हो गया है, रोड बनना चालू हो गया है। जाके देखिए जो ये जो हॉस्पिटल है फायर ब्रिगेड वाला, चारों तरफ काम एक ही बार तो बनेगा नहीं। एक साल में कसिया के बस स्टैंड बन के तैयार हो गए, लेकिन पटरौना के जिला मुख्यालय नहीं बना। बन रहा है जिला मुख्यालय पर और काम नहीं है? जिला मुख्यालय के बस स्टैंड नहीं बनल। बन जिला यहाँ का विधायक जो चोर था, यहाँ का विधायक देखिए भगौड़ा है इसमें। यहाँ का विधायक जो चोर था, यहाँ का विधायक देखिए भगौड़ा है इसमें। कहाँ से चोर? बिल्कुल बिल्कुल पटरौना पटरौना में 5 साल सबसे अच्छे मौर्य जी भगत भगोरा हो गए। ये राजनीति है, कल भी मौर्य को अच्छा नहीं कहते थे, आप तो मौर्य नहीं भी अच्छा नहीं कहते। आप करे भगोरा है, 5 साल तो आपके भाजपा में थे तो अच्छे कमाई नहीं हुई इसलिए भाग गए। कमाई नहीं हुई इसलिए भाग गए। कमाई नहीं हुई हाँ इसलिए भाग गए। वो विधायक लोग कमाया वाला का तो क्या वाला दुकान है उन लोगों का? हाँ बिना कमाई हाँ भूजा कमाई हुई, मैं कमाई नहीं हुई हमारे भाग गई ना। आपको कुछ बताइए क्या बताया? हम लोग बस वही सरकार चुनेंगे जो देश का विकास प्रदेश का कराएगा, शिक्षा बेहतर देगा, मान लीजिए स्वास्थ्य बेहतर देगा। तो शिक्षा तो 2 साल से गायब बा, वो तो देख ही रहे कोरोना ले गया मान लीजिए, लेकिन आने वाले स्कूल बंद है, भट्टी चालू है, क्या मतलब है? स्कूल बंद है, भट्टी बंद है, क्या मतलब है इसका? होटल तो बता बताओ देखिए गलत बात है। पढ़ाई से मतलब नहीं है, चाहिए ना जिसको है उसके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं पूरे वर्ल्ड में है, पूरा इंडिया में है, खाली इंडिया नहीं हर जगह है। नहीं 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 हर जगह है प्रकाशन। गलत क्या कह रहे हैं? सबके लिए है। लड़का का बात सुनी तन लड़का का बात एक मिनट सुन लड़का का बात लड़के की बात ये है रैली पर रोक नहीं के स्कूल बंद। रैली कहाँ हो रहा है? तो जाइए ना चुनाव आयोग से कहे ना कॉलेज से पैसा नहीं आता है। कहाँ से आता है? कहाँ से आता है ये पैसा? कहाँ से आता है? जनता देती है। तो पढ़ाइया कहाँ चला गया? कहाँ जाने चाहिए? अरे सब तो जनता से चूसल जाता है। चुनाव आयोग से पूछिए ना, चुनाव आयोग तो 500 रुपए लेके आओ तो कहीं से कमा के 2000-4000 लेके आओ तो उकर सारा कमाई और मजदूरी खत्म बा। वो कैसे जी कैसे जी वो कैसे जिएगा?
किसान कैसे जिएगा, उसके पास कौन प्रॉपर्टी है जी? रोजगार चाहिए, रोजगार रोजगार चाहिए, महंगाई दूर हो, रोजगार चाहिए। हाँ जाता है, हमारे भारत का लोग नहीं रहते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं है। प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान से आए हैं, आपके प्रधानमंत्री पाकिस्तान के तो है नहीं, हिंदुस्तान सब लोग कहला कि हिंदुस्तान के पे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री विदेश का हुआ है, यहाँ का प्रधानमंत्री विदेश का हो सकता है क्या? सर स्थानीय स्थानीय राहुल का बालक आप नए हैं अभी। हम लोग यह चाहते हैं कि रोजगार आए, महंगाई कम हो, महंगाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो पेट्रोल हम लोग 70 रुपए भराते थे इस समय, हाँ वोटर लिस्ट में नाम आता है 21। अरे इस बार हम लोग परिवर्तन चाहिए, इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। वोट की विपक्ष में जाएगी, विपक्ष सरकार को जाएगा, अखिलेश को जाएगा इस बार गठबंधन। अखिलेश इतना बढ़िया करके ले, अरे काम नहीं किया है, लैपटॉप दिए, क्या क्या नहीं दिए आप बताइए, 100 नंबर वही दिए, टैबलेट दिए नहीं, अरे क्या टैबलेट दिए, हम लोग बीए में अपना हम नामांकन मतलब अपना हम एडमिशन करवाने के बाद फीस पूरा जमा कर दिए हैं, उसके बाद हम लोग का कोई कुछ कुछ नहीं मिला है। और बताइए हम लोग पढ़ रहे हैं बीए में, इस समय चालू बाकी बंद हुआ क्या स्कूल चालू बाकी बंद, और इस समय एग्जाम हो रहा है इस समय ना? अच्छा एग्जाम हो रहा है हम लोग एडमिशन मतलब हम थर्ड ईयर में इस साल बीए में, और हम लोग पूरा फीस भी जमा कर दिए, हुआ कि फीस जमा कीजिए। लोगों का समूह होला जी, तो आपके समूह मान ली का हम मान ही लीजिए, करना क्या है, नगद संगतियाँ हुई है, हाँ संगतियाँ है, हाँ पूरा। और बताइए, अरे परिवर्तन, लोग कहते हैं हमारे पास रोजगार नहीं है, लोग करना नहीं चाह रहा, रोजगार तो बहुत है, मान लीजिए अगर 125 करोड़ लोग है, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगा, कोई ठेला लगा ले, कोई चाय की दुकान, रोजगार तो बहुत है, पढ़ लिख नहीं है, महंगाई नहीं है, कहाँ महंगाई नहीं है, कहाँ महंगाई नहीं है, बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, जब भी किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है। आटा आज भी 2600 रुपए किलो है, और 5 साल पहले भी 2600 रुपए किलो था, आज की डेट में जिसकी तनख्वाह पहले 12000 थी, आज की डेट में 13000 हो गई है, अगर किसी की 10000 हुई है तो कहे रोजगार, रोजगार कुछ भी नौकरी होके क्या कि नहीं, नौकरी है मेहनत करें, नौकरी है तो नौकरी बहुत है, प्राइवेट करें लो, सब कोई सरकारी खोजेगा तो नहीं मिल जाएगा, का है नौकरिया, नौकरिया का है दिया लेके। मैं कह रहा हूँ सर जी, मैं अंगूठा छाप हूँ, बाकी मैं नौकरी सौ अभी जोगी जी को सुन लिए, कह रहे हैं 4-5 लाख हम लोगों को नौकरी हम दे चुके हैं, आपको नौकरी कहाँ दिखा लोगे, घर में जाके नौकरी, जो नौकरी पाया है उसके घर में ला कर दिखाऊँ आपको? सेना का सेंट्रल गवर्नमेंट को जब लगेगा मेरे आर्मी की जरूरत है तो अपनी व्यवस्था करेगी, जब सरकार के जरूरत लगी तब तार के नौकरी मिली, क्या हम लोग जरूरत के लिए हम लोग आपने फोर्स, भाई साहब आपने फोर्स की बात, लोग पास डिग्री नहीं हो सही, खाली हल्ला कर रहे हैं, अगर कोई नेता हर विद्यालय में आजमगढ़ बलिया के लेडीज हैं भरल बड़ी, हमारे क्षेत्र में इतना सर्विस मिलल बा, मरसराई के नौकरी मिली, कोई ऐसा इस उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा गांव नहीं छूटा है जो सहायक रूप एक आदि वहाँ नौकरी न पाया हो, ये 2 महीने पहले की बात है, कौन पाया है आप बता दीजिए, कौन पाया है भाई, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, कौन नौकरी पाया है, बेरोजगारी कहाँ है, बेरोजगारी तो है ही नहीं है, सब लोग खुशहाल है, मोदी की सरकार मान लीजिए उनको रोजगार, भाई मान लीजिए पढ़ रहे हैं इस समय, ये बताइए हम लोग नए लोग हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, हम लोग का नौकरी चाहिए, आप बताइए, हाँ भाई महंगाई भी है, रोजगार भी नहीं है, हर एक चीज है, महंगाई तो हर समय बढ़ा है बाबू, हर समय बढ़ा, देखिए तू ही बताओ, 200 रुपए कोलुक तेल खैल रहा तोरी तला रहे, 100 रुपए नहीं, एक बात सुन, एक मिनट, एक सिलेंडर, एक मिनट, अरे अखिलेश का सरकार में, अखिलेश सरकार में 1241 रुपए पेट्रोल है, 2014 में सिलेंडर का रेट रोल हुआ है, तक पता बट है कमर्शियल का रेट कम से कम 2100 रुपए रोल हुआ है, इतनी बेरा घरेलू 900 कुछ रुपए रोल हुआ है, जान लो 2014 का जैसे कि जब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्र की सरकार थी, केंद्र की कांग्रेस की सरकार थी, मैंने 4200 रुपए में एक सिलेंडर और एक चूल्हा पेट्रोल से लाया था, अरे इनको रोना इस बात का है कि लोगों को फ्री में मिल गई है, फ्री की खाने की आदत बन गई है, इस आते खरीदी महंगा लग रहा है, महंगाई बा लेकिन मान लो वही हिसाब से काम, लेकिन वही हिसाब से कहो थोड़ा, 1000 तो सिलेंडर क्यों नहीं, लेटम ये तो 2000 रुपए तो खाता में किसानों को आ रहा है, और 1000 ई श्रम वाला भी आ रहा, अब क्या महंगाई है, ओनली सब्सिडी आया था, जो गरीब था उसका सब्सिडी नहीं आया था बाबू, पिपरा बाजार चौराहा जौन की 3 विधानसभा के एक तरह से केंद्रित बा, पडरौना, खड्डा, रामकोला, एजक के आप रुझान देख ली, कहीं न कहीं एजक सपा भाजपा यही दो पार्टी में लड़ाई बा,
जौन भी निर्णय आई जैसन भी निर्णय आई वो आपके जानकारी होइबे करी आपके सारा चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब सरकार जैसन भी बा वो बताई बड़ा आनंद आयल बहरहाल जौन बहस भइल सार्थक बहस भइल। अगला चौराहा पर फिर आपके अगला विधानसभा में फिर हम अपने चैनल के लेके अपने टीम के लेके आई मिलब हमारे साथ है विकास श्रीवास्तव सहयोगी के रूप में संदीप मिश्र पत्रकार कैमरा के पीछे पंकज। अब हमके दें इजाज़त नमस्कार प्रणाम।